हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार अभियान अब बिल्कुल आखिरी स्टेज में पहुंचने जा रहा है, लिहाजा स्टार प्रचारकों की ताबड़तोड़ रैलियां शुरू हो चुकी हैं। इसी कड़ी में पड़ोसी भाजपा शासित राज्य राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी हरियाणा के चुनावी रण में कूद चुके हैं। वीरवार को उन्होंने इंद्री हलके में भाजपा प्रत्याशी और निवर्तमान विधायक राजकुमार कश्यप के लिए प्रचार किया। भाजपा की जन आशीर्वाद रैली को संबोधित करते हुए भजनलाल शर्मा कांग्रेस पर जमकर बरसे। कांग्रेस के घोषणा पत्र का मखौल उड़ाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस असल में झूठ और लूट की दुकान है, ये वही पार्टी है जिसने देश को भ्रष्टाचार के दलदल में धकेला है। ये कांग्रेस के लोग जैसे ही चुनाव आते हैं ये अपने घोषणा पत्र में बड़ी बड़ी बातें लिखते हैं, ये जनता को परगलाने का काम करते हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं। कांग्रेस सही माने में पूछिए झूठ और लूट की दुकान है, झूठ और लूट की दुकान है। तो इसने सबसे पहले देश को भ्रष्टाचार के जाल में गोदने का काम किया, भ्रष्टाचार में इस देश को झोंकने का काम किया। सही मायने में अगर मैं कहता हूं तो ये कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है और इसकी प्रदेश की और केंद्र की जब जब उलाज रहा है, आपने देखा होगा कितने तगड़े घोटाले इन्होंने किए। कई लोग हमारे कहते हैं हम तो पुराने कांग्रेसी हैं। अरे उनका डीएनए कितनी बार बदल गया भैया, ये तो बता दो कितनी बार बदल गए वो, लेकिन फिर भी स्थिति ऐसी हो रही है। मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, हमने देश की संस्कृति के लिए, देश की विरासत के लिए हमारे पूर्वजों ने अपने आप को समर्पित कर दिया और उन्होंने ये आशा विश्वास के साथ किया था कि आने वाली पीढ़ी हमारी ठीक प्रकार से रहे, उसको मान मिले और सम्मान मिले। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, ये लोग बात करते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, जो भारत के विरोध में बोलते हैं, भारत के खिलाफ बोलते हैं, भारत के टुकड़े करने की बात करते हैं, भारत में आतंकवाद फैलाते हैं। राहुल जी आप विदेश में जाकर के उनसे ही मुलाकात करते हो, जरा इसका कनेक्शन तो बता दो कि इनसे आपकी क्या रिश्तेदारी है, क्या कनेक्शन है, जरा ये तो बता दीजिए। ये देश की जनता जानना चाहती है कि इन लोगों से मिलते हैं जो देश के खिलाफ बोलते हैं, देश का टुकड़ा करना चाहते हैं, देश में आतंकवाद फैलाना चाहते हैं। अभी आपने देखा विदेश में क्या बोलते हैं आरक्षण के नाम पर, इन्होंने कभी आरक्षण के पक्षधर नहीं रहे। मैं आपको कहना चाहता हूं इस कांग्रेस ने बाबा साहब का जितना अपमान किया आज तक किसी ने नहीं किया। इन्होंने बाबा साहब को चुनाव नहीं लड़ने टिकट नहीं दिया, अरे टिकट नहीं दिया उनको चुनाव भी हराने का काम कांग्रेस ने किया, उनको अपमानित करने का काम भी कांग्रेस ने किया। और बाबू जगजीवन राम को किस तरह से निकाला आपको पता है, बाबू जगजीवन राम को भी इसी तरह से इन्होंने उनका अपमान करने का काम किया। और सीताराम केसरी जी के बारे में तो आप सब जानते हैं कि उनके साथ इस कांग्रेस ने क्या किया, लेकिन जैसे ही वोट आते हैं ये जैसी बनने की बात करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये कांग्रेस ये वही कांग्रेस है जो देश को डुबाना चाहती है। अभी कह रहे हैं हम धारा 370, आप बताइए ये धारा 370 की बात करते हैं, मैं तो कहता हूं कि तुम इस जवान को अपनी ये कह करके क्यों बंदी करना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हमेशा इस कांग्रेस ने देश को दस्त देने का काम किया, चाहे वो आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो, भ्रष्टाचार हो, जातिवाद हो, हमेशा इन्होंने इस दस्त का देने का काम किया है, देश में जातिवाद और धर्म के नाम पर वोट मांगने का काम किया है। वहीं इंद्री से भाजपा प्रत्याशी राजकुमार कश्यप ने अपने संबोधन में लोगों से 5 अक्टूबर को कमल के निशान पर बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने की अपील की। मैं भी हाथ जोड़ करके आप सभी से वोट की अपील करता हूं और अपील करता हूं कि आने वाले 5 अक्टूबर को कमल के फूल के सामने, तीसरे नंबर पे है निशान, कमल के फूल के सामने बटन दबा करके अपने भाई राम कुमार कश्यप को बता दें कि 2019 में इंद्री में कमल खिलाने वाले राम कुमार कश्यप पर पार्टी ने एक बार फिर उनकी लोकप्रियता और कर्मठता को देखते हुए उन पर भरोसा जताया है। कश्यप को चुनाव प्रचार के दौरान भारी समर्थन मिलता नजर आ रहा है।
इंद्री से मीनपाल कश्यप, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।